उम्मीदवार तहसील मेयर एबटाबाद सरदार शेर बहादुर की पोजीशन वाजे होना शुरू हो गई। साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली डॉक्टर अदनान बशीर ने अपने पूरे जनबे के साथ सरदार शेर बहादुर की हमायत कर दी। एबटाबाद में डॉक्टर अदनान बशीर की रिहायशगाह पर सरदार शेर बहादुर के एजाज में शमूलियत तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें एक बड़ी तादाद में शुरका ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। मुकर्रीन की बड़ी तादाद ने जिला एबटाबाद की पसमानदगी का जिक्र करते हुए अदनान बशीर के फैसले को सराहा और सरदार शेर बहादुर की यकीनी फतह करार देते हुए कहा कि मोरूसी कब्जा माफिया से जिला के आवाम 31 मार्च को अपने वोट की पर्ची से हमेशा के लिए निजात हासिल करेंगे। चेहरे बदल बदल के इनके हकूक पे जो डाके डाले गए, महरूमियों और तारीखी रास्तों पे जब इनको बंद किया गया तो वो आज किसी से ढका छुपा नहीं है। मेरा पैगाम है उन माफियाज के लिए जो अपने घरों में बैठ के यहाँ के हजारों लाखों लोगों की तकदीरों का फैसला करते हैं, वो ये बात सुन रहे कि आज इंशाल्लाह सरदार शेर बहादुर साहब के शाना बशाना क़यादत में डॉक्टर काजी अदनान बशीर साहब के साथ इंशाल्लाह इनको इनकी असीयत हम याद रखें। मकर्रीन में मलक नवाज मेजर आबुद हुसैन, मलक नजर चीफ ऑफ आवान डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, आसिफ खान जदून, जमील हुसैन और साबिक सूबाई वजीर सरदार अदरीस समेत दीगर ने खिताब किया। इस मौके पर डॉक्टर अदनान बशीर ने अपने खिताब में कहा कि सरदार शेर बहादुर एक मुखलस और नाडर लीडर है, दोनों का मकसद व मंशूर भी एक है। जिला एबटाबाद कुदरती हुसन और खुदादाद नियामतों से मालामाल है। मदनियात से भरे पड़े ये पहाड़ और बेशुमार वसाइल पर गैर लोगों का कब्जा है। सोची समझी साजिश के तहत जिला को तरक्की से महरूम रखा जा रहा है। सरदार शेर बहादुर जब कामयाब होगा तो जिला के आवाम खुशहाल और आसूदा हाल होंगे। शुरका से खिताब करते हुए उम्मीदवार तहसील मेयर एबटाबाद सरदार शेर बहादुर ने डॉक्टर अदनान बशीर और जनवा बरादरी की तरफ से सपोर्ट पर शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि वो एतमाद के इस तहलक को हमेशा कायम रखेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। अवाम अपने कीमती वोट की पर्ची से सियासी कब्जा माफिया को शिकस्त दें। एबटाबाद जिला की सियासत पे काबिज 40-50 सालों से दो खानदान, वो कहते हैं किसको पार्टी में रखना है, किसको निकालना है, किसको टिकट देना है, किसको जलील और रुसवा करना है। तो क्या एबटाबाद के लोग इतने बेहिस हो चुके हैं या इतने बेगैरत हो चुके हैं कि वो इन दो सियासी खानदानों के तसल्लत से आजादी नहीं हासिल कर सकते? क्या हम लोग इतने कमजोर हैं कि हम इनसे एबटाबाद के अवाम की जान नहीं छुड़ा सके? अगर कोशिश करता तो मैं भी किसी पार्टी का टिकट ले सकता था और पार्टी ने सरदार इदरीस साहब मौजूद हैं, इनके थ्रू चीफ मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं टिकट ले लूं, लेकिन मुझे ये कहा गया कि एबटाबाद के किसी सियासी खानदान का एक आदमी वो आपसे खफा है, आपने उसको राजी करना है और आए हैं आप टिकट ले जाएं, पैसे भी ले जाएं, सब कुछ ले जाएं। तो मैंने उस वक्त सोचा कि शायद ये पार्टियों के टिकट विकट लेके इलेक्शन तो आसान हो जाता है, लेकिन फिर हम अपने जमीर का क्या करें। उन्होंने सियासी बाजीगरों पर तनकीद के तीर चलाते हुए कहा कि गुज़श्ता 40 सालों से दो ही खानदान चेहरे बदल बदल कर ऐवान-ए-इक़्तदार में बुराजमान हैं।
एबटाबाद अवाम के सरों के फैसले ड्राइंग रूमों में किए जाते हैं। इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए मैदान में निकलना होगा। चीफ ऑफ अवान मलक नजर हुसैन ने डॉक्टर अदनान बशीर की हमायत की तायद करते हुए कहा कि उनके शाना बशाना रहकर सरदार शेर बहादुर को कामयाब बनाएंगे। डॉक्टर अदनान साहब ने जो फैसला किया हम उसे सरखम करके डॉक्टर अदनान साहब के पीछे चलेंगे। दामे गिरने सुखने जो भी होगा इंशाल्लाह हम कुर्बानी के दे तैयार हैं। कैमरामैन अजहर अवान के साथ मीर अफजल गुलजार, DMM न्यूज, एबटाबाद।